हेलो दोस्तों, इंफोटेनमेंट बेंगलोर चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा द्वारा बताया हुआ लेवल्स के ऊपर काम करके शेयर मार्केट में आप थोड़ा पैसा कमा सकता है। और अगर आप ज्यादा कुछ सीखना चाहते हैं तो किस चीज सीखना चाहते हैं शेयर मार्केट में, वो सब आप कमेंट बॉक्स में लिख के लीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफोटेनमेंट बेंगलोर। Like our videos, subscribe to our channel and share it to your friends. The levels that we tell in our channel, please note down the levels and work on it to make maximum gains from the intraday market in Nifty and Bank Nifty. If you want to learn more topics on share market, please comment in the comment box what are the topics that you are looking to learn. Let us analyze the Friday market and we shall know what shall happen in Monday's market. Okay, so here is the chart of Bank Nifty. You can see the chart of Bank Nifty Friday is always almost a neutral one. It showed a downfall, then it started a pickup, and then continuous down and continuous rise. That means in the last moment there was buying in the index from Bank Nifty. Okay, so this was the thing that is happening in Bank Nifty ऑन फ्राइडे। फ्राइडे के बैंक निफ्टी का चार्ट ऐसा है कि थोड़ा बहुत गैप अप होके सीधा नीचे चला आया, उसके बाद एक अपस्विंग मारने का प्रयास किया, 35,200 के करीब एक रेजिस्टेंस ब्रेक फेस करके नीचे आ गया। ओके, फिर से 35,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो वहां पर रिवर्सल मार के फिर से मार्केट ऊपर चला गया, लास्ट में कुछ बाइंग हुआ है। ओके, ये नेचर हुआ था चार्ट का। सो फ्राइडे मार्केट में बैंक निफ्टी का एक ट्रेडिंग सेशन में। ओके, चलिए मंडे को बैंक निफ्टी क्या क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखा सकते हैं, हम अपने आप खुद ड्रॉ करके देखते हैं क्या क्या है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। देखिए यहाँ पे 5 मिनट्स में आप चार्ट उतना पीछे नहीं ले जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे आप 15 मिनट्स चार्ट खोल लीजिए और पिछले जो हाइस बनाया था बैंक निफ्टी ने, ओके, वो हाइस तक आप देखिए क्या क्या हाइस था। सो ऑलमोस्ट आपको 37,670 और 600 के ऊपर बैंक निफ्टी गया था। अभी अभी ये सिर्फ 35,200 के पास है, तो 2,000 पॉइंट और आपका मूवमेंट का एक पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी में, कि यही से कहीं से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने को प्रेस करेंगे। अभी 35,215 जो ये अभी लेवल है, इसके ऊपर हमें क्या क्या रेजिस्टेंस मिलने वाला है। देखिए यही पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, वो है 35,326। सो 35,326 इज योर रेजिस्टेंस। द रीजन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रुकावट, यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ओके, ये रीजन पे ज्यादा समय ट्रेडिंग करके गया है यहाँ पे भी। ओके, ये जोन पे ज्यादा रुक के गए हैं, 35,215 टू 35,326 या वही उसी कुछ लेवल्स के आगे पीछे, मे बी अ लिटिल बिट मोर। एक जोन में ट्रेडिंग हो सकता है, एक और लाइन आपको करीब करीब मिलने वाला है, वो लाइन है यहाँ पे कहीं पे आपको एक जोन मिलने वाला है, वो लाइन है आपको 35,440 और 35,555। ये सब आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, इससे भी अगर आगे निकल जाता है तो यहाँ पे एक लेवल पे आप देख सकता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी बहुत बढ़िया ट्रेडिंग किया है। सो ये है 35,682। ये सब ऊपर के लेवल का हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे अभी इसको भी तोड़ दिया तो यहाँ कहीं पे आपको एक और रेजिस्टेंस मिलेगा, ये लेवल होगा आपका 35,796 और 35,800 के करीब एक आपको एक बढ़िया रेजिस्टेंस मिलेगा। उसको तोड़ दिया तो डायरेक्ट आपको 36,000 ही देखने को मिलेगा। ओके, 36,000 डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा, ये रेजिस्टेंस बन गया। तो सपोर्ट हमको किधर किधर बन रहा है। ओके, सो बहुत दूर का सपोर्ट देखने से पहले हम बहुत नियरेस्ट सपोर्ट क्या क्या है उसको भी हम देख लेंगे, कि यहाँ पे देखिए ये लो। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर
सपोर्ट 35,000 इज द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा सपोर्ट को आप चिंता ना कीजिए, क्योंकि गैप डाउन या गैप अप में उसका कुछ फैसला नहीं होगा, उसका कुछ असर भी नहीं होगा मार्केट के ऊपर। देन इमीडिएटली आफ्टर 35,000 योर लेवल इज 34,890। ओके, सो 110 का एक बहुत बढ़िया फॉल आपको दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेडिंग जोन बन रहा है, ओके, 750 अराउंड, ओके, 34,750 अराउंड, 50-60 के पास एक और सपोर्ट मिल रहा है। यह सपोर्ट भी आप तोड़ दिए तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा 34,640, और उसके बाद आपको बढ़िया एक फॉल देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं 34,430 या 450 के पास एक सपोर्ट है, उसके बाद थोड़ा और नीचे आ गया तो 34,320 का एक सपोर्ट है। ये सब सपोर्ट लेवल आप लिख के इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। ओके, चलिए निफ्टी में क्या हालत है, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट आई हैव टू लुक इन निफ्टी। ओके, निफ्टी का थोड़ा आप ध्यान दीजिए, वो हायर हाई बन के ऊपर चल रहा है कि कल का हाई या फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन का हाई होगा समवेयर अराउंड 470। इसका पहला रेजिस्टेंस है 15,500, एक साइकोलॉजिकल लेवल, उसको ब्रेक कर दिया तो 15,550-15,600 तक निफ्टी जा सकता है मंडे का ट्रेडिंग सेशन में, अगर कोई बुरा न्यूज नहीं हो और मार्केट और भी बुलिश हो जाए। ओके, इसको सिर्फ हम रेजिस्टेंस के जरिए जाना जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ही इसका काम करता है कि मार्केट बुलिश है और अपर साइड में हायर हाई बना के चल रहा है। सो there is no requirement to find the resistance in the near immediate effect, because 15,500 is a psychological level, 15,550-15,600, these are the levels where you can face multiple resistance in between, so it will make a new zone for its particular resistance. So what is the support? Support is almost immediate support is 15,413. We will mark the support, mark karenge support ko 15,413 and 15,400 are the immediate support, और उसके बाद यहाँ पे एक support है 15,383 और 84 पे एक support है, उसके नीचे आपको देख सकते हैं immediately, okay, यहाँ पे थोड़ा support है आपको, यहाँ कहीं पे हम ला सकते हैं कि 15,358 ये support है, लगता नहीं तो market ज्यादा गिरेगा, लेकिन support तो हमें ढूंढना है, ढूंढ के रखना है कि support के हिसाब से ही हम काम समझ सकते हैं। उसके बाद आपको एक और सपोर्ट मिलेगा, ये जोन पे आपको सपोर्ट मिलेगा, सो ये 15,333 है, उसके बाद थोड़ा एक फॉल लग सकता है, यहाँ कहीं पे आपको सपोर्ट मिलेगा कि एक दूर का सपोर्ट 15,310 ये लेवल में आपको सपोर्ट मिल सकता है। ओके, ये निफ्टी का मूवमेंट हो सकता है कल में। तो लाइव मार्केट में आप देखिए नया सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता रहता है, उसके ऊपर आप काम कीजिए। सो सी द लाइव मार्केट, सो व्हाट एवर द लेवल्स गिवन इन दिस वीडियो, प्लीज मार्क दोस लेवल्स एंड वर्क ऑन दोस लेवल्स। सो इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट मार्केट विथ आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट इन आवर चैनल इन द कमेंट सेक्शन व्हाट एल्स यू वांट टू लर्न, क्या क्या आप सीखना चाहते हैं, एक कोर्स हम बना देंगे। इसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या क्या आपका परेशानी है, किधर आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से कोर्स बनना है क्या नहीं बनना है आप हमें बता दीजिए। हम किसी और ट्रेनर्स और बड़ा बड़ा वो ट्रेनर्स जो रहता है वो कहते हैं खुद का एक CA है, NSIM सर्टिफिकेट है, वो है ये है, उनके तरह आपको डिजिटल मार्केट करके फंसाना नहीं चाहता है कि बहुत सारा पैसा आपसे लेके 10,000-15,000-30,000 ये सारा पैसा आपसे लेके डम्मी कोर्स हम नहीं बनाना चाहते। तो रियल टाइम इंडिकेटर रहता है, रियल टाइम वर्किंग जो रहता है स्ट्रेटेजीज, उसके ऊपर हम कोर्स बनाना चाहता है कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट में आपको ज्यादा समझना रही चाहिए, उसके ऊपर ही हम कोर्स बनाते हैं। सो इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द मार्केट, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स दैट यू वांट टू लर्न। वी आर नॉट गोइंग टू मेक सम एडवर्टाइजमेंट्स लाइक CA और NSIM सर्टिफाइड गाइज लाइक अदर ट्रेनर्स टेक 20,000-30,000-15,000 फ्रॉम यू गाइज and give all basic strategies which are not going to work in the real-time market. I want to build a course
which is actually going to work in a real-time market, those concepts and those strategies which are actually going to earn money in the real market. Okay, thank you very much, guys, for being with us. Thank you very much for joining with the Infotainment Bangalore channel.